हमारे पास भी है और गरिमान तुम्हारे पास भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हाल ही में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतें हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद से तो वो अपनी कौम के लोगों के निशाने पर आ गए हैं। कोई उनका सिर कलम करने के लिए 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहा है, तो कोई उन पर एक्शन लेने की मांग कर रहा है। यहां तक कि शिया और सुन्नी समुदाय के उलेमाओं ने फतवा देकर उन्हें इस्लाम से खारिज कर दिया है। इसके अलावा तालकटोरा में स्थित करबला में बनी वसीम रिजवी की हयाती कब्र को तोड़ डाला गया है। इस संबंध में विरोध करने पर करबला के मुतवल्ली फैजी की जमकर पिटाई की गई। इस मामले पर पुलिस ने भी एक्शन लिया है और केस दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। तो वही इस बवाल को देखते हुए अब रिजवी ने वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रिजवी ने अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर मौलानाओं पर निशाना साधा है और कहा है कि हाथ हमारे पास भी हैं और ग्रेवान तुम्हारे पास, लेकिन हम नहीं चाहते कि माहौल खराब हो। वसीम रिजवी ने कहा है कि मौलाना कलवे जब्बाद टीले वाली मस्जिद के इमाम और सुन्नी धर्मगुरु अब्दुल वली फारूकी अपने गुंडे भेजकर शियों के घरों पर गाली गलौज और इबादत गाह में तोड़फोड़ और बदतमीजी करवा रहे हैं, वो सही नहीं है। लेकिन सड़कों पर इस तरह से माहौल खराब करना यह गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हाथ हमारे पास भी है और गरेबान तुम्हारे पास भी है, लेकिन हमने कभी भी लखनऊ शहर का माहौल खराब करने की कभी कोई कोशिश नहीं की। जो आप लोग गुंडई और बदमाशी करवा रहे हो, इसको फौरन बंद कर दो। इसको किसी भी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक जिम्मेदार लोग होकर अगर इस तरह से गुंडई पर उतर आएंगे तो शहर का माहौल बेहद खराब हो जाएगा। जिला इंतजामिया को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। बता दें कि ये वही वसीम रिजवी हैं जिन्होंने कहा था कि अयोध्या की विवादित जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा था कि ना सिर्फ अयोध्या बल्कि मथुरा और काशी सहित उन सभी 11 मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए जो मुगल बादशाहों ने मंदिर तोड़कर बनवाए थे। इसमें दिल्ली की कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद सहित गुजरात की मस्जिदें भी शामिल हैं। यही नहीं बल्कि असम सरकार की ओर से नवंबर से राज्य में सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले का स्वागत करते हुए शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा था कि जब तक सब धर्म के बच्चे एक साथ बैठकर नहीं पढ़ेंगे, तब तक कट्टरपंथी मानसिकता, इस्लाम के गलत प्रचार और दूसरे धर्मों से नफरत खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि मदरसे पूरी तरह से बंद होने चाहिए और उन्हें स्कूलों में कन्वर्ट कर देना चाहिए। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। दरअसल साल 2017 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद वसीम रिजवी ने अपने राजनीतिक तेवर पूरी तरह से बदल लिए हैं, इसलिए वो लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर बने हुए हैं। देश और दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।